ये काम हो गया, काम हो गया। नाले तो कड़ो ना पापा जी ने इस गल का नहीं ना पता भी नाले भी कट। अस्सलाम जी, क्या हाल चाल है आप सबके? मेरे सब लोग ठीक ठाक होंगे। अभी सुबह सुबह का टाइम है, हम लोग जा रहे हैं शहर। आपको बताया भी था, मरीज जाने का प्लान जो है ना हमारा पड़ चुका है। ये कपड़े जो है ना वाइट वाले ये प्रेस करवाने देने हैं, और गाड़ी का कुछ काम थोड़ा बहुत है वो करवाना है। फिर इंशाल्लाह एक दो दिन में हम लोग निकलेंगे घर से इंशाल्लाह। इंशाल्लाह काफ़ी बहन भाई कह रहे थे आप लोग मैं नहीं बोले जा रहे हैं, नहीं बोले जा रहे, हमारा प्लान जो है बन चुका है सारा, और अल्लाह ते खैर चल रहा बस ठीक है। कैसी कि थी और मेरे अल्लाह के हो गए तैयारी ठीक। अभी जी एक कुछ पा दियो। चलो ठीक है, एक कुछ पा देने। हाँ राल जाएंगे वाइट है ना। हाँ जी ठीक है। यहाँ से कोई आड़ू ले लेते हैं उसको, रास्ते में खाते हुए जाएंगे, क्योंकि वहाँ हमें शाम हो जाएगी आज मुझे लगता है, क्योंकि इसके एक दो शीशे जो है ना गाड़ी के वो ख़राब हैं, वो सेट करवाने हैं। वाला जो शीशा है ना सामने वाला फ्रंट गेट वाला ये नहीं खुलता, ये नीचे नहीं होता, और पीछे वाला ये वाला थोड़ा सा मतलब खुल जाता है, देर से खुलता है। इसकी मोटर का मसला होगा या एक और वो बता रहे थे चीज़ उसका मसला होगा, तो ये सारा सेट करवाना है। उसके अलावा गाड़ी का जो है ना इधर फ्रंट पे कंपाउंड लगवाना है, बफ लगवाना है, ताकि ये स्क्रीन जो है ना इसकी बिल्कुल साफ़ हो जाए। इसके अलावा इस शॉक का मसला है थोड़ा, यहाँ फिर इसका होगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से मुझे पता था मैंने करवाया नहीं, मैंने कहा हमने कौन सा कोई दूर सफ़र पे जाना है, तो ये छोटे मोटे एक दो तो काम है ये करवाने हैं बस इस गाड़ी के। अच्छा जी घर से चल पड़े हैं, बस आधे पौने घंटे तक हम लोग चौक आज़म पहुँच जाएंगे, और फिर इस शहज़ादी का जो है ना काम शाम करवाना है वो करवाएँगे। गाड़ी का जी काम करवा लिया है, और सुबह के आए हुए हैं, अभी 3 बज चुके हैं मुझे और भाई अब्बास को। भाई अब्बास को साथ लेके आया था कि जी गाड़ी का काम करवाना है तो मेरी कुछ हेल्प हो जाएगी, लेकिन नवाब साहब जो हैं वो यहाँ आके वो अंदर आके दुकान में सोए रहे, सारा काम जो है ना वो मुझे ही करवाना पड़ा। मैंने कहा यार कमाल नहीं हो गया, मेरा प्रोग्राम था कि चलें कुछ काम ये करवा लेंगे कुछ मैं करवा लूँगा तो आसानी हो जाती है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इन्होंने सोच रहे हैं दोपहर क्या है सोए हुए थे, बैटरी ठीक करवाई है, उसके अलावा ये जाके सो गए हैं, और एक मेरे ख्याल कैंची भाभी ने भी दी थी कि वो उसे ना तेज़ करवा लेना, बस वो करवाया है काम। बाकी सारा कुछ जी ये गाड़ी का काम मैंने पहले भी बताया था, ट्रैक्टर का काम ये लोग करवाते हैं, गाड़ी का काम जो है ना कार का ये मैं करवाता हूँ, तो ये हमने करवा लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम लोग मरी जा सकते हैं बिना डर खौफ के, कुछ एक दो काम थे वो करवाने थे कार के वो करवा लिए हैं, तो मैंने इनका काफ़ी लंबा सफ़र है, तकरीबन 1000 किलोमीटर के करीब ही बन जाएगा, तो चलें ये करवा लें। अल्लाह का शुक्र है ये सारे काम हो गए। अभी भाई अब्बास वो बैटरी के टर्मिनल जो है ना वो लेने गए हुए हैं, वो लेके आते हैं तो फिर घर चलते हैं। अभी रस पीते हैं, मैंने मेरा प्रोग्राम था दही भल्ले खाने का, लेकिन दही भल्ले तो हमें मिले नहीं, वो दुकान ही बंद थी। लेकिन रोड पे दोबारा वापस जाना पड़ना था, हम वहाँ नहीं गए, और अभी जूस रस बल्कि पीते हैं और घर चलते हैं, घर जाके खाना खाते हैं। अच्छा जी ये देख लें रस वाला मग हमारा आ गया है, मज़े दिए हैं, बहुत मज़े दिए आज, नमक भी है तो ठंडा भी है। आओ तो एक चीज़ दिखावा, इस चीज़ की खातर मैं तकरीबन 500 रुपया वध भर के आया इस कैन की खातर। अगे कहना मोबलैर वाली ये होंगे सी ना इदा दी पौना सी, आ देखो इन धो के अच्छी तरीके ये तुसी यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी मैं इसे तो रहा भी इन धो के ना अच्छी तरीके साफ करके पानी भी ये पा के रखा जा सकता, और हाँ जी तो इस तो मैं जो है ना ये लिया एक आ कैन मिली सी ए छोटी सी, वह कहते भाई बड़ी वाली लै लो ए उस मोबलैर फर्क भी आ। यह मोबलैल सिर्फ पेट्रोल वास्ते सीगा, महंगा सी पेट्रोल गड्डी वास्ते सी, और डीजल तो पेट्रोल दोनों वास्ते होंदा वा। मैं कह नहीं ये दियो अगे नहीं सी आ रही इत्थे, हाँ जी 3.5 लीटर पैंदा, ये 4 लीटर दी होंदी आ, 3 लीटर दी आ,
हाँ जी, तो एक आ कहना भी रखो बाहर ही, अबू दे दियो, ये अबू जी दे दियो, आ तुसी रख लियो ठीक है। हाँ जी देखिए कितनी प्यारी है, मैंने सोहनी लगी, मैं पानी पा के रखा जा सकता ये। नहीं पिछले दोनों खोलते सी, एक वो अगले साइड वाले तो मसला सी। मैं कुछ पता की कहती, कहती हूं तू खराब करनी उच्च नीवे कर करके। अच्छा जी कार अलहमदुलिल्लाह ठीक हो गई, हुण वाश भी करना है, वास्ते ना कंपाउंड भी लियांदा वा। चलो इन तो बहुत साफ करो, गंदे हाथ लग जाते हाँ जी, मेरी और इसकी नाराजगी चल रही है। एक दिन मैंने इसे पहले दिन ही एक दिन ही छोड़ा था, तो मेरी और इसकी अनबन बन गई। ये बहुत इसने मुझे भगाया, बहुत इधर भगाया, इधर इधर सारे उस ना इधर ये मुझे घुमाती रही है, और मेरी इसके साथ जो है ना उस दिन से अनबन बन गई है, और मैं इससे अब जो है ना प्यार नहीं करता, मैं इसके पास नहीं आता। अगर आपने जानवर वगैरह रखे हो ना, तो मुर्गियाँ रख लें, तो ये समझ लें ये दुश्मन बन जाती हैं जानवरों की भी, और इनको जो चारा डालते हैं इनकी। अब देख लें ये पूरी इस खुली में जो है ना इन्होंने चारा खिला दिया है, पाँव मारती हैं, पाँव मार मार के ना ये अपने लिए दाने वगैरह निकाल के खा जाती हैं और फिर तंग करती हैं। शाम का टाइम है, माशाल्लाह व्यू बहुत ज़बरदस्त है अल्हम्दुलिल्लाह से। आजकल ना ये जितने भी सरी के दरख्त जो है ना इन्होंने फूल वगैरह लगे हुए हैं, उसके बाद इसे फलियां लगती हैं, उसके बाद जो सरी का पौधा होता है ना बीज जो होता है वो बनता है। जैसे अभी मैं दिखाता हूँ ये फूल बनेगा, तोड़ के दिखाता हूँ आपको करीब से। सबसे पहले ये चीज़ निकलती है शाखों से, ठीक है ना, फिर ये चीज़ बनती है ये वाली, उसके बाद फिर ये चीज़ बनती है, ठीक है, इसमें से खुशबू भी आती है, बहुत प्यारे फूल होते हैं ये, मैं भी आपको दिखाता हूँ ये वाली। उसके बाद ना ये फलियाँ बनती हैं, फलियों जैसे अभी फलियाँ भी हैं ये सामने देखें, ये फलियों में बीज होता है ना, इस सरी का बीज होता है, वो जैसे ही गिरते हैं ना नीचे, जैसे ये सरी हैं फलियों से बीज निकले हैं और बारिश वगैरह होती रही हैं और ये उगाते हैं। अभी ये देख लें ये भी सरी का ना बीज है इसका, अगर इसे लगा देंगे ऐसा पौधा ये बन जाएगा,
ऐसा पौधा बनता है ये, ठीक है। अब आप सब कह रहे होंगे कि ये चीज़ हमें बताने का क्या फ़ायदा, हमने क्या करना है। हाँ जी, मैं चकाया ना थोड़ी, तो मैंने इसलिए बताया है कि आप लोगों की जो है ना थोड़ा जिन्हें नीच इस चीज़ का पता, जो लोग रहते हैं शहरों में उन्हें, मतलब शहरों में भी लोग तकरीबन जानते हैं आजकल, क्योंकि आपको पता है यूट्यूब का दौर है, लोग वीडियोस वगैरह व्लॉग्स वगैरह देख के बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। हम भी बहुत कुछ सीखते हैं गांव में रह के, जो शहरों में चलता है निज़ाम हम वो भी देखते हैं। गांव में भी, गांव में तो हम रहते हैं, हमें पता होता है क्या क्या कुछ हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें दिखाने का मतलब मेरा ये होता है कि आप लोगों के इल्म में इजाफ़ा हो, कुछ ना कुछ आप लोग देख के सीख लें, और जो हम बता रहे हैं कुछ ना कुछ आपको सीखने को भी मिल जाए, और व्लॉग भी जो है ना आप लोग इंजॉय करें, थोड़ा सा ज़बरदस्त माहौल बन जाए। भाई अब्बास वो सामने हैं, तूड़ी लेने गए हुए हैं जानवरों के लिए, तो मैंने कहा चलें मैं आता हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। शाम हो चुकी है जी, और अभी अजान भी होने लगी है, और अभी इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।